अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कनान चौधरी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली होरोस्कोप और उसकी प्रेडिक्शन, अपना एनालिसिस, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और इस वीक की हम कम्प्लीटली बात करेंगे लकी नंबर्स, लकी कलर से लेके जोडियक साइंस की प्रेडिक्शन तक तमाम बातचीत आपके साथ करने जा रहा हूँ। जितनी भी कैलकुलेशन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो इस वीकली प्रेडिक्शन का आगाज करते हैं। नंबर वन इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब, मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं, और कनान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया, कनान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। जी, तो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो जो आपने देखी, इसमें मेरी वो प्रेडिक्शन दिखाई गई हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक साबित हुई। मेरी बहुत सारी प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई हैं, वैसे तो ये बड़ी बड़ी वो प्रेडिक्शन में से चंद एक हैं जो ठीक साबित हुई। तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की प्रेडिक्शंस थी। अभी भी इमरान खान साहब के बारे में और पाकिस्तान के बारे में मैंने तमाम प्रेडिक्शंस अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ शेयर की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उनको देखें, मज़ीद प्रेडिक्शंस भी आपके लिए शेयर करता रहूँगा। अगर आप किसी टॉपिक पे पाकिस्तान से रिलेटेड या किसी भी हवाले से पाकिस्तान के बारे में पूछना चाहते हैं तो टॉपिक मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूँ, इसका आगाज़ 15 जनवरी 2024 से हो रहा है और इसका जो इख्तिताम है वो 21 जनवरी 2024 को होगा। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ पहले तमाम वीक का एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 15 की अगर हम बात करें जो पहली डेट है इस वीक की, तो बहुत ही अच्छी डेट है। अगर आप नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, शादी ब्याह मंगनी वगैरह के लिए भी परफेक्ट डेट है, ट्रैवलिंग के हवाले से परफेक्ट डेट है, नए कारोबार बिजनेस के आगाज़ के लिए, जॉब की ज्वाइनिंग के लिए, हर लिहाज से परफेक्ट डेट है। इस वीक की अगर मैं सदके की बात करूँ तो इस वीक का जो सदका है वो ब्लू कलर का कपड़ा है। आप अपने साइज़ की चाहे यूज्ड शर्ट सदका दें या नई खरीद के भी सदका कर सकते हैं, कपड़े भी दे सकते हैं सदके में, कोई भी ब्लू कलर के कपड़े सिले अनसिले आप सदका कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको चाहिए कि ब्लू कलर का कंबल किसी गरीब को सदके में दे दें, आप उसको सर्दी से बचने में हेल्प करेंगे तो वो आपके लिए बहुत सारी दुआएं करेगा जिससे आपका भला होगा। नेक्स्ट डेट की अगर हम बात करें तो 16 जनवरी 2024 की डेट है। ये डेट एवरेज डेट है, ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत अच्छी डेट ये रहेगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से बेस्ट डेट रहने वाली है, रिलेशनशिप में जाने के लिए ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है, एवरेज डेट रहेगी उस हवाले से। तो इसमें आप ये काम स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल ट्रैवल के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं, या ऑनलाइन किसी ट्रैवल के हवाले से या वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टडी के लिए आउट ऑफ कंट्री अप्लाई करना चाहते हैं, तो बेस्ट डेट है। थर्ड डेट हमारी आ जाएगी 17 जनवरी 2024। मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूँ कि 8, 17 और 26 की डेट अनलक्की होती हैं। इनमें हमेशा रूटीन के काम करें तो ये जो 17 जनवरी की डेट आ रही है ये लकी डेट नहीं है। सिर्फ आपने वही काम करने हैं जो रूटीन के काम है। और इस 17 जनवरी 2024 को अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात पे भी रहम करे, क्योंकि ज़्यादा अच्छी और लकी डेट नहीं है ये इस हवाले से, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी इशूज़ के हवाले से, नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से भी ये डेट अच्छी नहीं है। तो अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या पेश आए हमारे मुल्क को, अल्लाह ताला बचाए। ऐसी डेट्स में एजिटेशंस भी देखने में मिल सकते हैं और इस तरह के अनएक्सपेक्टेड मामलात भी देखने में मिल सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि जो रूटीन के आपके काम हैं, डेली रूटीन में आप करते, सिर्फ वही काम करें, नए काम को बिल्कुल भी हाथ मत डालें। नए काम का आगाज़ बिजनेस ट्रैवल वगैरह रूटीन से हटके कोई काम करने से अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरी है कोई काम करना इस डेट के हवाले से आपके लिए, तो ब्लैक कलर मत पहनिएगा, लाइट ब्लू कलर पहनिएगा और ब्लैक कलर के मास्क का 1/2 kg सदका दे दीजिएगा काम करने से पहले। नेक्स्ट डेट हमारी आ गई 18 जनवरी 2024। ये डेट भी अनलक्की डेट है, एवरेज से अनलक्की की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है ये डेट। इसमें आपके लिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करना अच्छा है। एजिटेशंस इसमें भी हमें देखने को मिल सकते हैं 18 जनवरी 2024 को, क्योंकि मार्स रूल कर रहा है इस डेट को और इसमें नंबर 8 के ईयर की पहली डेट है। इसमें काफ़ी एजिटेशन की पॉसिबिलिटी भी बनती हुई नज़र आ रही है। अदरवाइज़ भी आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि उससे अवॉइड करें। रोडों पे रश हो सकता है, अल्लाह ना करे हादसा वगैरह का,
बाइस हो सकती है, कोई ना कोई चीज़ें धुंध ज़्यादा पड़ने की वजह से, किसी भी वजह से अल्लाह ना करे ऐसे मामला हो सकते हैं। 19 जनवरी 2024 की अगर बात करूँ तो परफेक्ट डेट है नई रिलेशनशिप में जाने के लिए, शादी के वाले से परफेक्ट डेट है, बिजनेस के गाज के लिए परफेक्ट डेट है, और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं उसमें आसानी हो, तो 19 जनवरी 2024 को ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। 20 जनवरी 2024 की अगर मैं बात करूँ तो अगेन ट्रैवलिंग के हवाले से, घर के मामलात के हवाले से, घर की रेनोवेशन के हवाले से बहुत अच्छी डेट है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके हवाले से अच्छी डेट है, दूसरे कामों के लिए ज़्यादा अच्छी डेट नहीं है। 21 जनवरी 2024 की अगर बात करूं, इट इज़ बेस्ट डेट फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स जो हैं आपके, इसके अलावा अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छी और लक्की डेट रहने वाली है ये। तो इन डेट्स के अकॉर्डिंग आप अपने कामों को स्केड्यूल कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारे पहले जोडियक साइन से और जानने की कोशिश करते हैं वीक एरीज लोगों के लिए कैसा रहेगा। एरीज आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो ये वीक आपका काफ़ी खामोशी के साथ गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेस आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और रिलैक्स करने का आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो इसमें आपको रिलैक्स ज़रूर करना चाहिए। तबीयत के हवाले से भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए आपको, और कुछ एरीज वेकेशन प्लान करते हुए नज़र आएंगे और कुछ नई जगहों पे घूमने जा सकते हैं। अगर आपको वीक के दौरान रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता तो वीकेंड पे ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे मूवमेंट्स आने वाले हैं इस वीक के अंदर जो आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकते हैं, आपकी सोच को चेंज कर सकते हैं। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लव लाइफ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है, बहुत अच्छी नज़र आ रही है लव लाइफ आपकी। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं उनका अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा और आइडियल टाइम गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। सिंगल एरीज के लिए भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स नज़र आ रही हैं और उसमें आपकी किसी नए शख्स से मिलने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी से मुलाकात हो सकती है, नया रिलेशन बन सकता है, अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प हो सकती है। इस हवाले से प्लैनेटरी पोजिशन फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। सो रेट करूँगा मैं आपकी लव लाइफ को 9.1 out of 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर बात करूं एरीज आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट के वाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतज़ार कर रही हैं, बस उस काम में इन्वेस्ट करें जिसमें आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। बहुत बड़ा रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अदरवाइज आपके लिए चीज़ें फेवरेबल नज़र आ रही हैं। लक्की नंबर्स की बात करूँ, लक्की नंबर आपके रहेंगे 3, 16 and 46 इस वीक के हवाले से। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एक्वेरियस और एरीज, जबकि कैंसर और टॉरस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, वर्क का लोड कम रहेगा, लक आपको काफ़ी ज़्यादा फेवर दे रही है। छोटा मोटा रिस्क आप ले सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा फिनांस सेक्टर में। एंड मूड आपका ऑन एंड ऑफ बोर रहता हुआ नज़र आ रहा है। तो एरीज वीडियो को आगाज से ज़रूर देखिएगा, वीडियो के आगाज में तमाम एनालिसिस और वीकली प्रेडिक्शन बताई है, सदकात बताएं उसको फॉलो कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन टॉरस। टॉरस आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं जिसका आगाज 15 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, ये वीक आपकी ज़िंदगी में थोड़ी स्टेबिलिटी लेके आएगा और जिन प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं स्पेशली हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से, उनमें बेहतरी आने के चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, मे बी आपको विटामिन या मिनरल्स की कमी का सामना हो इस वक्त, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं जो है वो रेस्ट मांग रही है या कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आप मैनेज नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी को रेस्ट देना, या कह लें कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी बीमार है, आपकी केयर चाह रही है। आपको चाहिए कि अगर छोटा मोटा भी प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड तो अपने डॉक्टर को विजिट करें, ऑलरेडी मेडिसिन पे हैं तो मेडिसिन टाइम पे लेने की कोशिश करें और अपनी डाइट को बेहतर तरीके से फॉलो करने की कोशिश करें। जॉब के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज टॉरस आपका वेट कर रही है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको इस वीक में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, उस हवाले से लक्की डेट्स मैंने वीक के आगाज में बता दी हैं। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ आपकी जो है आपके पार्टनर के साथ बेहतर होती नज़र आ रही है, आपको अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा और आपका पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है।
जो भी लड़ाई झगड़े थे वो इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगे वीकेंड तक का, और आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं लव लाइफ में कम से कम बेहतरी ज़रूर आती हुई नज़र आ रही है। सो जो सिंगल टॉरियंस हैं उनके लिए भी रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा टाइम पीरियड है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 8.7 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन फेवरेबल बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो फिनांशियल पोजीशन आपकी जो है वो थोड़ी डाउन रहती हुई नज़र आ रही है। आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है रूटीन से हट के, जो आपको मे बी किसी दोस्त से लेने पड़ेंगे या कहीं ना कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, आपके पास मौजूद नहीं होंगे। एक्सपेंस आपके कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी इनकम के कंपैरिजन में, जो कि एक अलार्मिंग सिचुएशन आपके लिए रहेगी। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स आपके 3, 36 और 48 रहेंगे इस वीक के हवाले से। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए इस वीक में रहेंगे कैंसर और वर्गो, जबकि स्कॉर्पियो जबकि स्कॉर्पियो और जमनाई के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, इस पर आपको काम करने की ज़रूरत रहेगी। वर्क का लोड रूटीन के मुताबिक रहेगा। लक आपको अच्छी फेवर दे रही है। मूड आपका अलबत्ता थोड़ा सा डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन जेमिनी। जेमिनी आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज़ 15 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। नए प्लान बनाने का मौका मिलेगा आपको, नए गोल सेट कर पाएंगे आप अपनी लाइफ के लिए, और कुछ आपके ख्वाब सच्चाई की तरफ जाते हुए आपको नज़र आएंगे। बट आपने जल्दबाजी नहीं करनी, हार्डवर्क को करते रहना है, मेहनत करते रहना है और स्टेप बाय स्टेप अपने गोल्स की तरफ बढ़ना, जो कि आपको नज़र आ रहा है कि आप अचीव करने के बिल्कुल करीब हैं। फिर भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी आपके मामलात को नुकसान पहुंचा सकती है। किसी की फीलिंग को हर्ट ना करें, कोशिश करें लोगों के साथ पोलाइटली जो है वो बिहेव करें, ताकि आपको मज़ीद जो है रिलेशन में भी बेहतरी मिल सके। कहीं ना कहीं आपके दोस्त या कलीग्स के साथ आपके रिलेशन आपकी गुस्से की वजह से ख़राब हो सकते हैं, तो थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलने की कोशिश करें। स्पेशली अपने कलीग्स और बॉसेस के साथ थोड़ा पोलाइट रहने की कोशिश करें। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूं जेमिनी, तो लव लाइफ आपकी जो है वो बोरियत से बाहर जाती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने लाइफ पार्टनर लव वन या स्पाउस के साथ टाइम गुजारने का मौका मिलेगा, और ये एक तरह से रिलेशनशिप के हवाले से रिवाइवल का टाइम पीरियड मुझे नज़र आ रहा है। और ये एक ऐसा टाइम है जिसमें कहीं ना कहीं रिलेशन के हवाले से भी आपको कुछ ना कुछ अचीव करने का मौका मिलेगा। एटलीस्ट आप अपने पार्टनर का एतमाद तो ज़रूर जीत ही लेंगे इस टाइम पीरियड में, तो इसलिए प्लेनेटरी पोजीशन फेवरेबल नज़र आ रही है। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 8.9 out of 10 क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन काफ़ी फेवर दे रही है आपको। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो भी आपने किसी से पैसे लिए थे या कर्जा जात चुकाने थे या बैंक से लोन लिया था, वो पे करने का आपको मौका मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप आराम से अपनी पेमेंट टाइम पे दे पाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 16, 36 और 46 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन की इस वीक के हवाले से बात करूँ तो आपके लिए रहेंगे वर्गो और स्कॉर्पियो, जबकि कैप्रिकॉर्न और लिब्रा के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज से बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लक आपको कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका अलबत्ता खुशगवार और बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। जेमिनी मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स और सदकात वगैरह बताए हैं, उसको फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडियक साइन कैंसर। कैंसर आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूँ तो 15 जनवरी से ये वीक का आगाज़ होगा, और ये टाइम है आपके लिए कुछ अपने आप को बेहतर करने का, इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा आपको। फिर चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो या आपकी स्किल्स हो, उनको इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं से सीखने का मौका ज़रूर मिलेगा, और इस टाइम से ज़रूर सीखिएगा। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, बॉसिस से आपको हेल्प मिलेगी, कुलीग से हेल्प मिलेगी। आप अपनी ड्यूटीज़ को टाइम पे जो है वो पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट जो नए प्रोजेक्ट्स का आप आगाज़ करेंगे उनको प्रॉपर टाइम देने की कोशिश कीजिएगा। ये ना हो कि अभी जो प्रोजेक्ट्स आप गर्म जोशी में ले लें या खुशी खुशी में एक्सेप्ट कर लें, आगे जाके आप उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उतने ही प्रोजेक्ट या काम अपने जिम्मे लें या लोगों से वही वादे वईद करें जो आप पूरा कर सकते हैं आसानी के साथ। अदरवाइज़ अनकम्प्लीटेड किस्म के टास्क मुझे आने वाले टाइम पीरियड में कुछ नज़र आ रहे हैं जो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं।
एनर्जी लेवल आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ आपका टाइम पीरियड अच्छा स्पेंड होगा मिड वीक के बाद। लव लाइफ की मैं आपकी बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो बेहतरी की जानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक नए एंगल से आप अपने लव पार्टनर को, स्पाउस को एक नई नज़र से, एक नए एंगल से देखना शुरू करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के बारे में जो आप नहीं जानते थे, जो आपको बेहतर महसूस करवाएंगे। जो लोग किसी भी किस्म की मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं या अल्कोहलिक हैं या फिर ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो स्लीपिंग में उनको मदद देती हैं, तो उनको उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका नशे में या दवाई खाने की वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट से कोई लड़ाई झगड़ा अपने पार्टनर के साथ बढ़ सकता है, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत आपको रहेगी। एंड लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 7.8 out of 10। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिनांस के हवाले से सेविंग आपकी प्रॉपर नज़र आ रही है मुझे, और आपको अपने अगर आपने कोई कर्जा जात पे करने हैं, जो भी पैसे आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने हैं, उसके अलावा जो लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं उसको पे करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके पास थोड़ी बहुत सेविंग बचती हुई नज़र आ रही है, तो इस हवाले से प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के लिए एफर्ट्स पुट कर रहे हैं उनको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लकी नंबर्स की बात करूँ तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 16, 46 and 48। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए इस वीक के हवाले से रहेंगे एरीज और लियो, जबकि स्कॉर्पियो और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन के मुताबिक रहेगा, बट नेक्स्ट वीक के लिए ज़्यादा बर्डन ना ले लीजिएगा। लक आपको फेवर दे रही है, अच्छी खासी छोटे मोटे रिस्क आप ले सकते हैं, मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो कैंसर, मैंने वीडियो के आगाज में इस वीक का तमाम लकी डेट्स का एनालिसिस किया है, उसको ज़रूर फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडियक साइन लियो। लियो आपकी अगर बात करूँ इस वीक के हवाले से, जिसका आगाज़ 15 जनवरी से होने जा रहा है, अब एक प्लैनेटरी पोजीशन में चेंज देख रहा हूँ मैं, जो पॉजिटिव चेंज है आपकी ज़िंदगी में, कामनेस आएगी, स्टेबल फील करेंगे आप, एक रूटीन बनाते हुए नज़र आएंगे। बहुत सारे लियो हमें जिनकी रूटीन डिस्टर्ब थी, और अपने आप के साथ कुछ प्रोमिसज आप करते हुए नज़र आएंगे। लियो में भी आप नए गोल सेट कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, या कुछ अपने आप से आप चाह रहे हो, बेहतर चाह रहे हो, लेजीनेस को ओवरकम करना चाह रहे हो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाह रहे हो, वेट लूज करना चाह रहे हो, कुछ पर्सनल आपके जो गोल्स हैं वो आप सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने स्केड्यूल को बेहतर करेंगे, अपने टाइम को ज़ाया होने से बचाने के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये प्लानिंग कहाँ तक कामयाब होती है ये देखना लियो। प्लानिटरी पोजिशन तो आपको फेवर दे रही है, इसके अलावा आपका अपने लव वन के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम पीरियड बेहतर गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आपको उनके साथ क्वालिटी टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो बेहतर होती ही नज़र आ रही है, स्टेबिलिटी आएगी इसके अंदर, इम्प्रूवमेंट आएगी, और इस टाइम पीरियड में आपका अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ अच्छा टाइम गुजारने का मौका भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। जो सिंगल लियोज हैं वो अगर किसी से मिलना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, शादी के लिए कोशिश करना चाहते हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। सो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 9.1 out of 10, क्योंकि बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन फेवर दे रही है। सो फिनांस की अगर मैं बात करूं लियो आपके लिए, तो आपको कैश की कमी का सामना करना पड़ सकता है, एंड कुछ नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी आप प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मे भी आपको कैश की कमी का सामना उसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, या जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं उससे आपको रिलेटेड पैसे चाहिए हो, आपके पास कम हो, आपको ज़्यादा चाहिए हो, बट उनको अरेंज करना आपके लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, टाइम पे अरेंज शायद वो ना हो पाए, सॉरी। सो लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स आपके रहेंगे 3, 6 and 11, जबकि कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एक्वेरियस और लियो, और टॉरस और एरीज के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी डाउन रहती नज़र आ रही है, इस पर काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। वर्क का लोड एवरेज रहेगा, लक आपको फेवर दे रही है बट इतनी ज़्यादा फेवर भी नहीं है कि आप रिस्क ले सकें। मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है, खुशगवार रहेगा मूड मोस्ट ऑफ द टाइम आपका,
एंड लियो मैंने वीडियो के आगाज में इस वीक का सदका भी बताया है, लकी डेट्स भी बताई हैं, वीडियो को आगाज से देख के फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन वर्गो। वर्गो आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 15 जनवरी से होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने का मौका लेके आ रहा है, और आप कुछ ऐसे काम भी इस वीक में करेंगे जिससे आपकी रिस्पेक्ट जो है वो मुआशरे में बढ़ेगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं वर्गो, तो आपके बेहतर ग्रेड्स आ सकते हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वर्गो, उनसे अगर आप रिज़ल्ट इस टाइम पीरियड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद रखें, क्योंकि बेहतर खबरें एजुकेशन के हवाले से एज अ पेरेंट भी आपको मिलती ही नज़र आएंगे, और एज अ स्टूडेंट बात करूँ तो भी आपके ग्रेड्स इम्प्रूव होंगे। आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती नज़र आ रही है, और आपकी काम करने के हवाले से विल पावर भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप सेटिस्फाइड फील करेंगे इस वीक में अपने घरेलू कामों से भी, और काम के हवाले यानी करियर के रिलेटेड मामलात में भी। लवर स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा आपके रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करता हुआ नज़र आ रहा है वीक के आगाज में ही, और ये डिस्प्यूट सीरियस भी हो सकता है, तो आपको चाहिए कि इसको टाइम पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। एंड जो लोग सिंगल हैं वो रिलेशनशिप में अगर जाना चाहते हैं या शादी करवाना चाहते हैं, रिश्ता देख रहे हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, गलत फैसला आपसे हो सकता है। आपको चाहिए कि एक दो वीक मज़ीद इंतज़ार कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 6.1 out of 10। फिनांस की अगर मैं बात करूँ, तो फिनांस के हवाले से आपका टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है, और आपको इस टाइम पीरियड में मौका मिलेगा अपने प्रोफेशन को बेहतर करने का, अपने काम को चेंज करने के हवाले से मौका मिलेगा, या अच्छी ऑफर पे कोई नई जॉब मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं आपके पैसों में जो है वो डेवलपमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। इनकम आपकी बढ़ सकती है, आपको चांसेस मिलेंगे। लकी नंबर्स की बात करूँ, लकी नंबर्स आपके रहेंगे 6, 16 and 3, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे टॉरस और एक्वेरियस, जबकि वर्गो और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो हेल्थ आपकी एवरेज से थोड़ी बेहतर रहेगी, वर्क का लोड ज़्यादा रह सकता है, लक आपको अच्छी फेवर दे रही है, मूड आपका अलबत्ता कहीं ना कहीं डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर थोड़ी काम करने की ज़रूरत वर्गो आपको रहेगी। एंड एक चीज़ और बताता चलो वर्गो आपके लिए, कि वीडियो के आगाज़ में मैंने तमाम डेट के वीक की डेट्स और सदकात वगैरह बताए, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन लिब्रा। लिब्रा आप लोगों की अगर मैं बात करूं इस वीक के हवाले से, जिसका आगाज़ 15 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो इस वीक में आप काफ़ी बिजी रहते हुए नज़र आएंगे। स्पेशली आपके करियर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, या जॉब वगैरह जो भी प्रोफेशन आप करते हैं, उसमें आपको काफ़ी सारा वर्कलोड भी रहेगा आपके ऊपर, और ना सिर्फ ये बल्कि आपके लिए जो रुकावटें आएंगे आपके काम के दरमियान, वो उनको ओवरकम करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में की ऑफ सक्सेस यही है लिब्रा, कि आपने स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करनी है, बहुत तेज़ी के साथ लोगों से मदद भी लेनी है, और स्मार्टनेस के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। अगर आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना शुरू कर देंगे उसको ओवरकम करने की बजाय, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपके कोलीग्स आपको शायद ज़्यादा सपोर्ट ना दे पाएँ, बॉसेस भी एवरेज सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको जितना कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है, तो इसलिए थोड़ी सी एफर्ट आपको पुट करना पड़ेगी। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो घरेलू मामलात आपके हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से प्रॉब्लमेटिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह भी यही रहेगी कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपका घर में डिस्प्यूट छोटा मोटा हो सकता है। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो लव लाइफ आपकी बेहतर होती ही नज़र आ रही है। जहां पे इतनी प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, वहां पे आपका लाइफ पार्टनर लव वन या स्पाउस आपको फेवर देगा, वो आपकी बात को समझेगा, आपको स्पेस भी देगा, और आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल लिब्रा शादी करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी एफर्ट्स को तेज़ कर देना चाहिए। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 8.9 out of 10, क्योंकि अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है।
फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस टाइम पीरियड में जॉब चेंज करना आपके लिए रिस्की हो सकता है, नई इन्वेस्टमेंट करना भी थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसके हवाले से थोड़ा सा आपको सोच समझ के स्टेप लेना होंगे। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स रहेंगे आपके 5, 16 and 36। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे लिब्रा और स्कॉर्पियो, जबकि टॉरस और सजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहती है, नज़र आ रही है। वर्क का लोड ज़्यादा रहेगा, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा, छोटे से छोटा रिस्क भी मत लीजिएगा और लिब्रा। एंड मूड आपका डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है, अग्रेसिव भी हो सकते हैं आप, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। वीडियो को आगाज से देख लीजिएगा, वीडियो के आगाज में मैंने इस वीक के सदकात बताए हैं, लकी डेट्स बताई हैं। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिसका आगाज 15 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी सारी चेंजेस लेके आ रहा है, जिसमें कुछ डोमेस्टिक चेंजेस होंगी, कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगी और कुछ आपकी घर में चेंजेस आती नज़र आ रही हैं। वो रेनोवेशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, घर खरीदने के हवाले से भी हो सकती हैं, गैजेट खरीदने, फर्नीचर ऐड करने के हवाले से वगैरह वगैरह, जो भी घर में चेंजेस आप लाना चाह रहे हैं उसके हवाले से चेंजेस आती हुई नज़र आ रही हैं। बिजनेस आपका कहीं ना कहीं रिस्क पे जाता हुआ नज़र आ रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है आपको। स्पेशली जो स्कॉर्पियंस बिजनेस पर्सन है उनके लिए बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है, अपने कोलीग्स पे, अपने वर्कर्स पे, अपने पार्टनर अगर कोई आपका है तो उस पर नज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ आपकी एवरेज रहती नज़र आ रही है, कोई लड़ाई झगड़ा अपने पार्टनर के साथ आपका हो सकता है जो कि बढ़ जाएगा, और यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनती हुई नज़र नहीं आ रही ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो इमोशनल हो सकते हैं आप, अग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें, जिसके लिए आप सदका ज़रूर दें जो वीडियो के आगाज़ में मैंने बता दिया है और लकी डेट्स भी बताई हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा प्लेनेटरी पोजीशन को देखते हुए 5.1 out of 10, क्योंकि ज़्यादा फेवर नहीं मिल रही। फिनांस की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो आपके लिए, तो फिनांशियली ये टाइम पीरियड आपके लिए नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के हवाले से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है, तो आपके लिए अर्निंग के हवाले से काफ़ी अच्छी और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से आप अर्निंग कर पाएंगे, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आती हुई नज़र आ रही। सो फिनांशियली इट्स अ गुड टाइम। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, 2, 3 and 7 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जबकि एरीज और जेमिनी के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी एवरेज रहती हुई नज़र आ रही है, वर्क का लोड थोड़ा कम रहेगा एंड लक आपको कम फेवर दे रही है, मूड आपका ऑन एंड ऑफ स्टेबल टू बो रहता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन सजिटेरियस। सजिटेरियस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं, जिसका आगाज 15 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी सारी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं जो आपको सरप्राइज करेंगी। ये सरप्राइज आपके घरेलू मामलात के हवाले से भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव सरप्राइजेस भी हैं, और कुछ आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर आपको सरप्राइज कर सकते हैं, किसी ऐसे दोस्त से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जो काफ़ी अरसे से ना हुई हो, तो इस तरह का भी टाइम आपका अच्छा और इंजॉयबल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ काफ़ी इंजॉय करेंगे। काम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको जो डिफ़िकल्टीज़ का सामना था अपने काम से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, वो आहिस्ता दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी प्रॉब्लम थी उनको आप ओवरकम कर पाएंगे और आपके लिए लाइफ में बेहतरी आगे डे बाय डे आती हुई नज़र आ रही है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पार्टनर, लव वन या स्पाउस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फेवर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सपोर्ट रहेगी आपके पार्टनर की आपकी तरफ, अंडरस्टैंडिंग और बॉन्ड आपका बहुत स्ट्रेंथ मिलती हुई उसको नज़र आ रही है। आप प्रॉपर तरीके से अपने रिलेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, फैमिली को टाइम दे पाएंगे, अपने फैमिली इवेंट्स को इंजॉय कर पाएंगे, और जो सिंगल सेजिटेरियस है शादी के लिए उनके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा
9.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत ही फेवरेबल दिखा रही है यहाँ पे चार्ट। फिनांस की अगर मैं बात करूँ सेजिटेरियस आपके लिए, तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत लक्की रहेगा, स्पेशली गोल्ड में और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत लक्की रहेगा। लक्की नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लक्की नंबर्स आपके रहेंगे 5, 6 एंड 12। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे सेजिटेरियस और वर्गो, जबकि स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूँ तो हेल्थ आपकी एवरेज से बेहतर रहती नज़र आ रही है, वर्क का लोड रूटीन के मुताबिक रहेगा, लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है, छोटे मोटे रिस्क आप ले सकते हैं बल्कि मीडियम रिस्क भी उठा सकते हैं, मूड आपका स्टेबल और खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है। और सेजिटेरियस वीडियो को आगाज से देखिएगा, उसमें भी मैंने सदका बताया है, इस वीक की तमाम लकी डेट्स बताई है, उनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जोडिक साइन कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं, कैप्रिकॉर्न आपकी इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिसका आगाज़ 15 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो इस वीक में काफ़ी सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी के साथ आती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी एनर्जी गुड रहेगी, आपका एटीट्यूड अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है, और आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ कर सकते हैं, नए गोल्स अपने लिए सेट कर सकते हैं, और कुछ जो गोल आपने अचीव करने के लिए सेट किए थे उनको अचीव कर सकते हैं। अगर मैं घरेलू मामलात की बात करूं, तो फैमिली के साथ आपका टाइम पीरियड एवरेज से बेहतर गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर आप खुद ड्राइव करते हैं कैप्रिकॉर्न, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि अल्लाह ना करे हादसे की कुछ ना कुछ चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अपना सदका ज़रूर दीजिएगा कैप्रिकॉर्न, जो वीडियो के आगाज़ में मैंने बताया है, जिसमें लकी डेट्स भी इस वीक की बता दी हैं। लव और स्कोप की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपके लिए रोमांस की अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही हैं। उसके अलावा जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए टाइम पीरियड ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, उनके आर्गूमेंट्स हो सकते हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, एंड जो लोग सिंगल हैं उनके किसी कैजुअल फ्रेंड के साथ उनकी जो है वो बातचीत आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और रिलेशन में भी जा सकते हैं। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 5.1 आउट ऑफ 10 क्योंकि एवरेज बनती ही नज़र आ रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। फिनांस की अगर मैं बात करूं, तो फिनांस के हवाले से इस टाइम पीरियड में आपको नए जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं, नए इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ उसको कैश करवाने के हवाले से बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आपका वेट कर रहे हैं। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, 6, 12 एंड 13 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल जोडियक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी और पाइसिस, जबकि सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी बहुत तेज़ी के साथ इंप्रूव होगी इस वीक में, वर्क का लोड बहुत कम रहेगा, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका स्टेबल और खुशगवार रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो कैप्रिकॉर्न वीडियो को आगाज से देख के सदकात को फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जोडियक साइन एक्वेरियस। एक्वेरियस आप लोगों की इस वीक के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिसका आगाज़ 15 जनवरी 2024 से होने जा रहा है, तो आप इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छी चीज़ जो फील करेंगे वो आप अपने फैमिली सर्कल को एंजॉय करेंगे, अपने बेस्ट फैमिली मेंबर्स के साथ अपना बेस्ट टाइम गुजारेंगे, और अपने फैमिली मेंबर को समझ पाएंगे, और बहुत टाइम के बाद अपने फैमिली मेंबर के साथ आपको रिलैक्स होकर सुकून से बैठने का, बातचीत करने का, उनको समझने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है और काफ़ी देर के बाद आया, इसको ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। अपने लव वन के साथ भी टाइम गुजारने का मौका आपको मिलेगा, पेरेंट्स के साथ भी, फैमिली जितने फैमिली मेंबर हैं सबके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है। करियर आपका रूटीन में जैसे चल रहा है वैसे ही नज़र आ रहा है, ज़्यादा बड़े लेवल पे चेंजेस नहीं नज़र आ रही। कुछ एक्वेरियस की शादी के हवाले से भी चांसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मे भी आपकी फैमिली के साथ इसलिए बॉन्डिंग अच्छी हो जाए कि आपकी वो पसंद की शादी के लिए हाँ कर दें। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो रिलेशनशिप आपका बहुत उसको स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ रही है आपके रिलेशन में आपको, और इसके अलावा आपका अपने लाइफ पार्टनर लव वन स्पाउस के साथ बहुत ही अच्छा और क्वालिटी टाइम गुजारने का आपको मौका मिलेगा, टाइम गुजरता हुआ अच्छा आपका नज़र आ रहा है। फ्रेंड सर्कल में आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने लाइफ पार्टनर लव वन को फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इससे भी शादी के इशारे मिल रहे हैं, तो बहुत सारे एक्वेरियस जो हैं वो शादी की तरफ जा सकते हैं इस वीक में।
प्लानिटरी पोजीशन को मैं रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन काफ़ी फेवरेबल है। और एक्वेरियस, अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तो ये है कि आप अपने होने वाले लाइफ पार्टनर का और अपना चार्ट बनवा के उसके मुताबिक लकी डेट्स निकलवाएं अपने निकाह के लिए, शादी के लिए, रुखसती के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते तो वीडियो के आगाज में मैंने कम से कम इस वीक की लकी डेट ज़रूर बताई हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा और वीक का सदका दे लीजिएगा। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो फिनांस के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको पैसे उधार लेना पड़ सकते हैं, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो वो कैश करवानी की पड़ सकती है। आपको चाहिए कि अपने एक्सपेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने क्रेडिट कार्ड और पासवर्ड वगैरह की हिफाजत करें, कहीं ना कहीं पैसों का चोरी होने का अंदेशा भी बनता हुआ नज़र आ रहा है। अपने वॉलेट की हिफाजत करें, कागजात की हिफाजत करें, जो भी पैसों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, आजकल तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ, लकी नंबर्स आपके रहेंगे 6, 7 and 12। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एरीज और वर्गो, जबकि स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है बहुत तेज़ी के साथ, वर्क का लोड जो है बहुत कम रहेगा, लक आपको कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा, मूड आपका स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट हमारा जो ज़ोडियक साइन है वो है पाइसिस आज की वीडियो के हवाले से। सो 15 जनवरी 2024 से इस वीक का आगाज़ होने जा रहा है। पाइसिस इस वीक की अगर मैं आपके लिए बात करूं तो आपकी अबिलिटीज़ जो है उनको ब्रूए कार लाने का आपको मौका मिलेगा, काबिलियत दिखाने का आपको मौका मिलेगा अपने प्रोफेशन के हवाले से। और कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं बहुत अच्छी डील्स डन कर पाएंगे और नए क्लाइंट्स को भी अप्रोच करने के वाले से बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, नए क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप बिज़नेस करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं नए प्रोजेक्ट्स आपका वेट कर रहे हैं जिसमें आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग में कुछ चेंजेस लाएंगे और कहीं ना कहीं किसी की एडवाइस लेके अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाते हुए नज़र आ रहे हैं। घरेलू मामलात भी आपके बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो पाइसिस स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है वो अच्छा नहीं है, तो आपको चाहिए कि अपने ग्रेड्स के वाले से थोड़ी सी ज़्यादा कोशिश करें। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी ज़्यादा अच्छी गुजरती हुई नज़र नहीं आ रही, कोई आपको हर्ट कर सकता है, आपका आपके इमोशंस जो है वो इमोशंस कह लें आपके कोई क्या कह लें उसको कि आपको कोई आपका दिल तोड़ सकता है, बेसिकली आप इमोशनल हो जाएंगे इस तरह की बात कोई आपका लव लाइफ पार्टनर लव वन या स्पाउस कोई ऐसी बात कर सकता है जिससे आपके इमोशंस हर्ट होंगे या आप इमोशनल हो जाएंगे। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में आती नज़र आ रही है। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग इस टाइम पीरियड में आपके रिलेशनशिप में आती नज़र आ रही हैं ये जल्दी से इख्तिताम पज़ीर नहीं होंगी, इसके लिए आपको काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा। सो रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए वीडियो के आगाज़ में मैंने लकी डेट्स बताई हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा और अपना सदका ज़रूर दीजिएगा। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूँगा 5.0 out of 10, क्योंकि ज़्यादा अच्छी प्लानिटरी पोजिशन बनती हुई नज़र नहीं आ रही। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो आपकी फिनांशियल पोजीशन स्टेबल रहती हुई नज़र आ रही है, बहुत बड़ी चेंजेस यहां पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। और जो प्लान्स आपने बनाए हैं उन्हीं पे चलें, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने की कोशिश ना करें, रिस्क हो सकता है इसमें। लकी नंबर्स की बात करूं 6, 12 and 16 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडियक साइन आपके लिए रहेंगे एक्वेरियस और एरीज, जबकि सेजिटेरियस और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी थोड़ी डाउन हो सकती है इस वीक में, वर्क का लोड एवरेज रहेगा, लक आपको थोड़ी कम फेवर दे रही है, रिस्क मत लीजिएगा, मूड आपका अलबत्ता अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये थे हमारे 12 ज़ोडियक साइन, मेरी उनके बारे में कैलकुलेशन और प्रेडिक्शंस। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, अपना चार्ट बनवाना चाहते हैं, एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या अपने नेम स्पेलिंग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शंस के साथ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।